जय श्री कृष्णा। देखिए बेटा, क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर चल रहा था, बहुपद और बहुपद जो अपन कर रहे थे, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्वेश्चन नंबर एक का तीसरा क्वेश्चन जो नहीं हुआ है, कैसे देखो पढ़ना है। मैंने कहा था प्रत्येक क्वेश्चन को तीन स्टेप में काम करना। पहला स्टेप, पहला देखिए, एक्स क्यूब में एक्स का भाग क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स एक एक्स कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर आ गया, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दो, इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करना, इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करना। एक्स स्क्वायर जब एक्स से गुणा होता है, एक्स स्क्वायर जब एक्स से गुणा होगा तो घातें बढ़ेगी, भाग देंगे तो घातें घटेगी, तीन से भाग देती घात किसमें आ गई, दो में, और दो को जब एक्स से गुणा करोगे तो वापस कितने में आ जाएगी, तीन, कितने में आ जाएगी, तीन। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को पाई से गुणा करेंगे तो आएगा पाई एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, पाई एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर दो हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर दो, पहले स्टेप में भाग देना है, पहले का, इसका भी पहला उठाना है और इसका भी पहला उठाना है, भाग देना। दूसरे स्टेप में जो भागफल आता है उसको भाजक से गुणा करना है, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से गुणा किया बन गया एक्स क्यूब, पाई को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो बनेगा पाई एक्स स्क्वायर। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपको चिन्ह चेंज करना है, माइनस माइनस, ओके, एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर दोनों है लेकिन यह संख्या ही नहीं है, इसलिए तीन और पाई सीधा जुड़ेगा नहीं, तो आप इसको क्या लिखोगे, तीन, पाई किसका है, माइनस का, और इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, प्लस का तीन एक्स प्लस का एक, यह आया आपका, आपको घटाने और जोड़ने के बाद में ये ला, वापस वही पहला, पहला यहाँ क्या है, पहला तीन माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर में इसका पहला कौन है, एक्स, एक्स का भाग दे दो, भाग देते ही घात कम हो जाती है और ये बन जाएगा तीन माइनस पाई, नहीं कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्स एक्स कटा, क्या मिला अपने पास, तीन माइनस पाई इंटू एक्स प्लस तीन माइनस पाई इंटू एक्स। पहला स्टेप कंप्लीट, पहले में भाग दे दिया, ये आया हमारा भागफल। दूसरा स्टेप, भागफल को किससे गुणा करना है, भाजक से, भागफल को किससे गुणा करना है, भाजक से, देखिए तीन माइनस पाई एक्स को जब एक्स से गुणा करते हैं तो घातें पड़ जाती है, एक्स और एक्स कितनी घात होगी, दो, तीन माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब वही तीन माइनस पाई एक्स को किससे गुणा करोगे, पाई से, किससे गुणा करोगे, पाई से, तीन माइनस पाई इंटू पाई एक्स, इसे गुणा करना पाई से, तीन माइनस पाई इंटू पाई एक्स, वही प्लस माइनस का निशान चेंज, यहाँ प्लस का है क्या बन गया माइनस, यहाँ भी प्लस का है यहाँ क्या बन गया माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब ये बच्चे यहाँ कौन है, तीन, यहाँ कौन है, तीन माइनस पाई, पहले पाई को अंदर गुणा कर लो, इस पाई को अंदर गुणा कर लो, क्या बन गया, तीन को पाई से गुणा किया तीन पाई, माइनस पाई को पाई से किया पाई स्क्वायर, और दोनों के बाहर क्या आ गया एक्स, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स है, यहाँ से ले लिया प्लस का तीन, यहाँ से पाई को अंदर गुणा कर लिया माइनस, बाहर पड़ा है तीन पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस का वन, प्लस का वन आ गया अपने पास, ये चीज वही पहला, पहला देखिए तीन माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, भाग किसका देंगे एक्स का, क्योंकि इसका पहला पद भी क्या है एक्स, एक्स से एक्स कर गया, ये चीज बच गई अपने पास, यहाँ लिखोगे प्लस तीन माइनस पाई स्क्वायर, यह है आपका भागफल। वही भागफल को किससे गुणा करोगे, भाजक से, भागफल को किससे गुणा करना है, भाजक से, तो करो तीन माइनस तीन, ये पाई है ना, तीन माइनस तीन पाई माइनस पाई स्क्वायर, जब यहां से गुणा होगा क्या बन जाएगा एक्स, क्या बन जाएगा एक्स,
तीन माइनस तीन पाई माइनस पाई स्क्वायर इनटू पाई कर दिया गुणा, चिन्ह चेंज कर दिया, ये प्लस का पड़ा है किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का पड़ा है किसका हो जाएगा माइनस का, ये कट गया प्लस का माइनस से कैंसिल आउट। अब ये बचा है, यहाँ कौन है एक, यहाँ कौन है माइनस, किससे गुणा करना है पाई से, तो इससे गुणा करके क्या बनेगा तीन पाई, अंदर गुणा होगा तीन पाई स्क्वायर माइनस का पाई क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, वन माइनस तीन पाई, बार माइनस पड़ा है गुणा करो, माइनस तीन पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पाई क्यूब, यह है आपका इसका शेषफल, क्या है शेषफल।